हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो कर ली थी। सबसे लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारी पेंडिंग है। आज हम इस वीडियो में सबसे लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस करने वाले हैं। बेटा हमारी सबसे लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन नंबर 6 पे थी बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत ही ऐसी चीजें हम यहां से सीखेंगे जो हमारी हायर क्लासेस में भी हमारी हेल्प करेंगी। ठीक है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है दो अलग अलग रिएक्शंस का। देखिए नाम देखेंगे, एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन, और बेटा एक होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलें, साइमल्टेनियसली अगर ये चलती हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब मैं अभी आपको समझाती हूं, इसको बोलते हैं साथ साथ चलती हैं, तो बेटा इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन को हम वन बाय वन इन दो रिएक्शन के रूप में पढ़ेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा रिडक्शन रिएक्शन, यहां से ये डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये हमें आइडेंटिफाई करवाती हैं कि हम रिएक्शन को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन क्या है बेटा। दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ, रिएक्शन की डेफिनेशन को जरा गौर से सुनेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। बेटा अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्शन में, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं भी होता है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बेटा वैसे तो ये लाइव क्लासेस में कवर हो गया था, पर फिर भी ध्यान देना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, स्पेशली मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल किसका होगा बेटा, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के साथ और कौन हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इनका रिमूवल हो जाए किसी रिएक्शन में, अगर हम हाइड्रोजन को तो ऐड कर रहे हो और ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को रिमूव कर रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। बेटा इसका एग्जाम्पल देखोगे, जैसे CuO, इसके अंदर हम हाइड्रोजन का एडिशन दिखाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा ध्यान देना, ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किसी के साथ ऐड हो रहा है। बेटा कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई। यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को प्रेफर किया है, यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को प्रेफर किया है, तो ऐसी रिएक्शन के अंदर हम इसको रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। बट सपोज यहां साइमल्टेनियसली की बात हो रही है, सो इट इज नॉट ओनली रिडक्शन रिएक्शन, इट मे बी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी के साथ बेटा एक चीज जो हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, दोज सब्सटेंसेस विच सप्लाई ऑक्सीजन, जो सप्लाई करते हैं किसी को ऑक्सीजन, दोज सब्सटेंसेस विच सप्लाई ऑक्सीजन। ठीक है, एंड गेन्स, और वापस मांग कर लाते हैं, एंड गेन्स हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, गेन हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, एंड अंडरगोज
रिडक्शन रिएक्शन, और रिएक्शन कौन सी परफॉर्म करवाएंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से सुनिए, ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास ऑक्सीजन होती है और ये इसकी सप्लाई करते हैं, यानी किसी को बांट के आ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं से उनको बाहर से हाइड्रोजन मिलती है तो इकट्ठा भी करके लेके आ रहे हैं। बेटा जब कोई चीज इकट्ठी की जा रही है इट मींस ऐड, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करते वक्त कौन सी रिएक्शन परफॉर्म होगी, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और बेटा सप्लाई कर रहे हैं, गिव्स, गिव्स यानी देना, दे रहे हैं, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल, रिमूवल के लिए भी कौन सी रिएक्शन होगी परफॉर्म, रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन को करवाने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रही है बात, हम रिडॉक्स रिएक्शंस कर रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस में ये दो रिएक्शंस साइमल्टेनियसली चलती हैं। बेटा एक हाथ से हम कोई चीज दे रहे हैं किसी दूसरे हाथ को, तो दूसरा हाथ उसको ले रहा है, यानी ये काम तभी हो सकता है अगर मैं ये चौक किसी को दूं तो मुझे कोई मिलना चाहिए जो उस चौक को ग्रैब कर सके, पकड़ सके। अगर मैं सिर्फ दे रही हूं और कोई पकड़ने वाला रही है नहीं है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं हो रही, वो काम नहीं हो रहा। अब बेटा कोई पकड़ रहा है, पकड़ने वाला है, लेकिन अगर कोई देने वाला नहीं है तो ये भी कोई काम नहीं हो रहा। अगर मैं कुछ दे रही हूं तो कोई पकड़ने वाला भी हो, इट मीन्स ये दोनों काम साथ साथ चलते हैं, इसीलिए इनको साइमल्टेनियसली कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बेटा बिल्कुल इसका उल्टा होता है, वहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। नाम है ऑक्सीडेशन, इट मींस ऑक्सीजन वहां पर ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और रिडक्शन में हम हाइड्रोजन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और हम वहां पर जो है ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। चलिए डेफिनेशन को पहले एक बार पढ़ते हैं। बेटा यहां पर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखेंगे दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ देखो ध्यान से, इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं हो तो कौन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो कौन होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना, बताया था अभी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ऐसी रिएक्शंस जिनमें हम ऑक्सीजन को तो ऐड कर रहे हो और रिमूव किसको कर रहे हो, हाइड्रोजन को। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का हम किसी का भी एडिशन करवा रहे हैं, और अगर हम रिमूवल करवा रहे हैं हाइड्रोजन का, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर हम एक सब्सटेंस को यहां भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे बेटा, जिसे पहले वाली रिएक्शन के लिए था इससे बिल्कुल विपरीत रहेगा, दोज सब्सटेंसेस विच गिव्स, ध्यान देना अब की बार सप्लाई किसकी की जा रही है, विच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन्स, जो ले रहे हैं गेन्स ऑक्सीजन, टू अंडरगोस
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा जब रिड्यूसिंग एजेंट की बात आती है तो रिएक्शन कौन सी हमारी रहेगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें क्या करना है? गिव्स, गिव्स यानी रिमूवल। रिमूवल किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। गेन्स, गेन्स यानी एड, एडिशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। अगर कोई सब्सटेंस इस तरीके की चीजें परफॉर्म कर रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा था? हम ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहे थे और हाइड्रोजन का एडिशन। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए एजेंट कौन थे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और ऑक्सीडेशन के लिए कौन से एजेंट्स रहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है बेटा, ये बातें याद रखनी है क्योंकि हम इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन इंटरेक्ट हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम रिडक्टेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन सच रिएक्शंस। आपको कोई रिएक्शन दी गई होगी, आपको वो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब बेटा मैं आपको इन दो रिएक्शंस की डेफिनेशंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की टर्म में और समझा देती हूँ, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कैसे जाने। सबसे पहले हम देखते हैं हम इनको कैसे और दूसरी डेफिनेशंस के तौर पर सीख सकते हैं। हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशंस हैं बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा इलेक्ट्रॉन मेथड के ऊपर भी हो सकती हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अबाउट द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर हम रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? साथ के साथ आप ये चीजें लिख भी सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप ये चीजें लिख भी सकते हो, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब बेटा इनकी डेफिनेशन हम लेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बहुत ध्यान से सुनना है। पहली हमने ली बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप कहोगे दोबारा से वही चीजें होंगी, यहां पर होंगी वही चीजें, बट अब की बार हम किस रूप में डेफिनेशन को पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन, दोज रिएक्शंस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी एलिमेंट टेक्स प्लेस टू फॉर्म इट कैटायन, उसको कैटायन बना देता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। डी मीन्स रिमूवल। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। देखिए मैं समझा देती हूं, ये मेरे पास एक सोडियम मेटल है एलिमेंट की कंडीशन में, इसके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा, लेकिन जब किसी एलिमेंट को स्टेबल होना होता है या तो वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इट मींस इसको अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, तो ये क्या करेगा? ये इस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। बेटा इस प्रकार से जब इस एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करते हैं तो हमारा जो सोडियम है अब वो आयन में बदल गया। ठीक है, आयन में बदल गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2-8 हो गई। और बेटा जो एनर्जी इसको आयन में बदल रही है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं आपको बता दूंगी ये IE स्टैंड्स फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा,
बहुत काम आती है ये एनर्जी क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जब आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से जब ऐसा हुआ तो इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन इसकी लास्ट शेल में से जैसे ही रिमूव हुआ इट कैन बी स्टेबल हो गया। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स डी इलेक्ट्रोनेशन, डी मीन्स रिमूव। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हालांकि हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस रिएक्शन है, यानी जब इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो कहीं ना कहीं कोई होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रैब कर लेगा, पकड़ लेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें दूसरी रिएक्शन को भी जानना होगा कि हमारी दूसरी रिएक्शन क्या कहती है। तो क्या आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया? बेटा ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम लेती हूँ, सुनो जरा ध्यान से, अगर मैंने कैल्शियम एलिमेंट लिया एटॉमिक नंबर 20, 2882, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2, यहाँ पर भी कौन सी एनर्जी काम करेगी? आयोनाइजेशन। बेटा कैल्शियम किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 पॉजिटिव कैटायन में कन्वर्ट हुआ। इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गई। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कह रहा है, इसने कौन सी रिएक्शन परफॉर्म की? इसने रिएक्शन परफॉर्म की है ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसी की टर्म में रिडक्शन को और देखते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या है। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम किस प्रकार से सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये बातें बेटा आप पॉज करके लिखेंगे तो आपके नोट्स भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो टीचर क्लास में बताते बताते या फिर कई बार नोट्स में नहीं मिल पाते हैं और अचानक में टीचर के दिमाग में आ जाते हैं, तो आप ये चीजें अपनी बुक में एज एन इम्पॉर्टेंट, अपनी नोटबुक में एज ए इम्पॉर्टेंट भी नोट कर सकते हो कि कुछ ऐसी बात है जो शायद 10th क्लास की बुक में ना मिले लेकिन मिल जाए बहुत अच्छी बात है। कुछ हेल्प बुक्स हैं जो हेल्प करती हैं हमारी, वेल एंड गुड। चलिए डेफिनेशन देखते हैं बेटा। सेकेंड डेफिनेशन रहेगी बेटा रिडक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा, जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए देखा था तो हम यहां लिखेंगे दोज रिएक्शंस इन विच, ध्यान देना, दोज रिएक्शंस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट टेक्स प्लेस to form an anion, ठीक है? It is also called re-electronation, right? इसको re-electronation भी कहते हैं। re means वापिस, दोबारा आना, rearrange, दोबारा से जोड़ना, ऐसे ही रीइलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन का आ जाना। यहां पर इलेक्ट्रॉन का गेन करके एलिमेंट जो है वो एनायन बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लोरीन। बेटा एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। बेटा जब हम ऑक्टेट कंप्लीट करने जाते हैं तो अगर हमारे पास वैलेंस शेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गेनिंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम एनर्जी लगाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि अभी इसको आपको ये नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा है पर आपको समझाएंगे डिटेल में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेते वक्त लगाई जा रही है या रिलीज हो रही है। तो बेटा ये जो क्लोरीन है ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव एनायन होता है और हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी 288। लेकिन ये पॉसिबल कब हुआ, जब इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगी तभी तो पॉसिबल होगा ना। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगी तो ये कैसे पॉसिबल होगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करना यानी इलेक्ट्रॉन का गेन,
तभी तो ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन। अब बेटा जैसे देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सॉलिड हमने लिया, हमने लिखा 2 5, बेटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स, 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, हालांकि ये स्टेप बाय स्टेप होता है, तो मैं क्या लिखूंगी N3 नेगेटिव। इसने क्या बना लिया, एनायन, एनायन बनाया, तो बेटा ये क्या हो गया 2 8, स्टेबल ऑक्टेट। अब ये स्टेबल ऑक्टेट हो गया तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज क्वाइट स्टेबल, ठीक है, स्टेबल हो गया, तो बेटा इसको इस तरीके से हम देखेंगे, ये है रिडक्शन रिएक्शन। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपके, चलिए चलो बेटा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के, इलेक्ट्रॉन की टर्म में, लाइक दिस Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम कन्वर्ट्स इनटू Al2O3 प्लस आयरन, ठीक है बेटा, ये रिएक्शन मैंने लिखी। बस हमें ये पता लगाना है कि रिडक्शन कौन कर रहा है और ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है। थोड़ा सा मुश्किल होता है इस प्रकार के किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर ये पता लगाना कि रिडक्शन कौन कर रहा है और ऑक्सीडेशन कौन। बेटा इसके लिए हमें सबसे पहले हर एक एलिमेंट पर चार्ज पता होने चाहिए। तो मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाली हूं, उसके बाद हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे तो मैंने ये 9th क्लास में भी डिस्कस किया था, बट मुझे लगता है काफी बच्चों को ये अभी याद नहीं रहा होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट, या आप एलिमेंट बोल सकते हो, ऑन एन एटम और आयन, किसी एटम पर और आयन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यहां पर एक प्लस पॉइंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन एलिमेंट्री स्टेट हैव जीरो चार्ज। अगर कोई एलिमेंट एलिमेंट्री स्टेट में है, मतलब नेचर जैसा हमें दे रहा है वैसा ही है, तो हम कहेंगे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बेटा हाइड्रोजन अगर गैस है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, तो बेटा इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि नेचर हमें इनको ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा है। जैसे सोडियम है, जैसे आयरन है, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे जिंक है, जैसे कॉपर है, कार्बन है, कॉपर है, ये अगर इस अवस्था में हमारे सामने है तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब ये किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं तब हम इनकी वैलेंसी को चेक करते हैं। आपको आई होप इसके साथ साथ वैलेंसी वर्ड भी याद आ रहा होगा। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। जब हम वैलेंसी के साथ इनको चेक करते हैं तो इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सोडियम के ऊपर चार्ज +1 आ जाता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है और इट्स अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन पर चार्ज -1 आ जाता है, ऑक्सीजन पर चार्ज -2 आ जाता है, नाइट्रोजन पर चार्ज -3 आ जाता है। बेटा ये जो चार्जेस हैं यही हैं हमारे ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि किसी कंबाइनिंग स्टेट में हमारे एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा। और जब भी आप फॉर्मूला बनाते हैं तो आपको बिल्कुल अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर का चार्ज इसके पैर के पास मिलेगा, इसके ऊपर का चार्ज इसके पैर के पास मिलेगा, और हमेशा आपके राइट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज होता है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स ये हिस्सा नेगेटिव चार्ज का है, ये हिस्सा पॉजिटिव चार्ज का है। अगर आप ये बातें याद रखोगे तो आप आसानी से बैलेंस कर पाओगे। वन मोर थिंग, पता कैसे चलेगा कि हम ऑक्सीडेशन किसको बोल रहे हैं और रिडक्शन किसको बोल रहे हैं? बेटा इस प्रकार से एक जो है स्केल बना लेना है, जीरो जीरो अगर किसी का चार्ज है इट मीन्स वो एलिमेंट्री कंडीशन में है। जैसे ये जीरो है और ये जीरो है, इनके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। बेटा जैसे यहां चलना शुरू किया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, बेटा +4। ये प्लस कब आता है, जब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं,
ये प्लस साइड कब आएगी, जब हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर किया था, कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन। अब बेटा माइनस की तरफ अगर हम आते हैं, ये मान लीजिए माइनस की तरफ हम आ रहे हैं, तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस चार्ज तब आता है जब हम इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। ये कौन सी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन रिएक्शन को, ठीक है बेटा। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, अगर डायरेक्शन हमारी यहां से भी इस तरफ जा रही है तो भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर डायरेक्शन हमारी यहां से इस तरफ आ रही है तो हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन। अब इस एग्जांपल में चेक करेंगे, इस आयरन पर है बेटा प्लस थ्री, ऑक्सीजन पर है माइनस टू। अब बेकूफों की तरह ये क्वेश्चन नहीं करना, प्लस थ्री कहां से आ गया माइनस टू, मैंने क्या बताया था, जिसका चार्ज जिसके पैर के पास आता है जब हम फॉर्मूला बनाते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम पर जीरो हो गया, यहां एल्यूमिनियम पर प्लस थ्री, ऑक्सीजन पर माइनस टू, ठीक है बेटा। अब हमें यहां से ये फाइंड आउट करना है कि कौन तो ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन कर रहा है और एजेंट कौन कौन से हैं। बेटा ध्यान देना, आयरन यहां से चलकर कहां पहुंच गया, जीरो पर। प्लस थ्री से कहां पहुंच गया, जीरो पर। बेटा प्लस थ्री से कहां पहुंच गया, जीरो पर। कौन सी डायरेक्शन ली है उसने, इधर वाली डायरेक्शन ली है। ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिडक्शन, यानी यहां कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कब होती है, बेटा जब हम क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा ये रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है तो रिडक्शन करवाने वाले को कौन सा एजेंट बोला था हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज क्लियर टू ऑल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो गिव करता है यानी कि सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये अपनी ऑक्सीजन को दे रहा है, भेज रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन करेगा, रिडक्शन। तो ये कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरी तरफ आते हैं, एल्यूमिनियम जीरो से प्लस थ्री चली गई, बेटा जीरो से प्लस थ्री यानी हमारे जाने की डायरेक्शन इधर है, इधर है, तो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। हम इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई तो ये कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, Al2O3 कौन सा एजेंट हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताए थे, जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं और इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते, इसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया, इसने कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करवा दी, ऑक्सीडेशन, तो एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिएक्शन आपके सामने एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में दोनों चीजें, दोनों रिएक्शन हमने साइमल्टेनियसली चेक की। बोलो ये बात आप सबको क्लियर हो गई अच्छे से, कि किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि आपकी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, और हर एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये नहीं है कि हम उसको सिर्फ इसको लेकर ये बैठे हैं तो कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। आप अपनी बुक में ट्राई कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर हमें फाइंड आउट करना है। टिल देन हम डाउट्स वाले सेशन में फिर से इसको देखेंगे, तब तक बिल्कुल इसको तैयार कीजिए।